पाकिस्तान द फोर्थ एम्पायर शो में बहुत बहुत खुश आमदेद आपको। आज PSL 8 का पांचवा मैच हुआ और मुल्तान जीत गया। मुल्तान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। वेरी वेल डन भाई। मुल्तान तो जीता, हम उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन आज जो सबसे अच्छी बात हुई वो थी दो प्लेयर्स की बैटिंग जो कि मुल्तान से नहीं थे, वो थे पेशावर जलमी से और वो थे साइम अयूब और हारिस। क्या कमाल की बैटिंग की है उन लोगों ने। आज बताया है कि T20 का मैच एक्चुअली कैसे खेला जाता है। मैच तो ले गया मुल्तान, लेकिन हमें बताएंगे हमारे लेजेंड अजहर अली कि आज क्या हुआ मैच के अंदर। बहुत सारी तालियां अजहर अली के लिए। सर वेलकम। तशरीफ रखिए अजहर भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। दिन ब दिन फ्रेश से फ्रेश होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आज का मैच हमने देखा, मैच जा कहीं रहा था अचानक से खत्म कहीं हुआ। थ्रू आउट PSL के मैचेस में ये सिचुएशन चल रही है कि ऐसा लगता है कि टीम जीत जाएगी, लेकिन कहीं बीच में जाके ब्रेक लग जाती है और गड़बड़ हो जाती है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? नहीं बिल्कुल, आज आई थिंक जलमी जब चेस कर रहा था राउंड 9-10 ओवर्स गेम ऑन थी, प्रॉपर गेम से बराबर ऑलमोस्ट इवन गेम जा रही थी। लेकिन आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर साइम अयूब की, जो आपने पहले बात की, जिस तरीके से बैटिंग करी और हारिस ने जिस तरह की बैटिंग की। प्रेशर था, यू नो, 210 का टारगेट चेस करना बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए साइम अयूब, बहुत यंग है, पोटेंशियल हम डोमेस्टिक से देखते आ रहे हैं बहुत है उनके अंदर। और एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पर उसको इस तरह की बैटिंग करना इतनी अर्ली, इट्स रियली नाइस टू सी। भाई कमाल, साइम के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। भाई बात करेंगे क्योंकि मैच जाहिर सी बात है आज मुल्तान सुल्तान ही जीते हैं, रायली रूसो के बारे में बात करेंगे। व्हाट अ प्लेयर, मतलब कि जहां बॉल वहां शॉट, कोई स्लॉगिंग नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, अमेजिंग प्लेयर। क्या कहेंगे सर उसके बारे में? बिल्कुल, आई थिंक तकरीबन तमाम सीजन रायली रूसो ने खेले हैं PSL के। हाँ जी। मुझे नहीं याद पड़ता कोई मिस हुआ उनका, और तकरीबन हर टूर्नामेंट में वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपना। आज अगेन, यू नो, 35 बॉल्स पे 75, इट्स अमेजिंग नॉक। आई थिंक जिस तरीके से वो खेले, और क्वालिटी उनकी ये है कि ऐसे लग नहीं रहा होता वो किसी शॉट पे जोर लगा रहे हैं, कि मुश्किल नहीं लग रही ना। बिल्कुल, और सारे हरबे बॉलर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता ना फिर, कि हर कहां बॉल करूं। बिल्कुल, जो प्लान वो करते हैं उस पे वो उसका आंसर उनके पास होता है, चाहे वो ऑफ साइड ऑफ यॉर्कर करें तो वो उधर भी मारते हैं, फिर रिवर्स स्वीप भी मार देते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि आप उन्होंने सिर्फ छक्के पर रिलाय करना है। अच्छा, आपने कप्तानी भी की है पाकिस्तान की, देखें आप भी इस पूरे सर्किट में आप रहे, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, हमारे पास रायली रूसो जैसा टैलेंट क्यों नहीं निकल के आता? मतलब फियरलेस क्रिकेटर, आपको ऐसे प्लेयर, आज साइम में थोड़ी सी झलक मुझे वैसी आई है कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी हों और छक्के भी लग रहे हैं, लेकिन कोई गलत शॉट नहीं वो खेल रहा है, हेड की पोजीशन बिल्कुल जगह पे, हमारे पास क्यों नहीं होते ऐसे? बिल्कुल, कल नहीं हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि आप बॉल जहाँ पे बॉल है आप उसी तरफ हिट लगाएं। T20 क्रिकेट में आप जरूर, जैसे आपने फियरलेस जरूर हों, लेकिन हाँ, फियरलेस के साथ बेवकूफ़ नहीं होना, क्योंकि उसके, यू नो, देयर इज अ, क्या डिफरेंस होता है, वो यही होता है कि आप रायली रूसो को देखें, आपको ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर हुआ, उसने कोई उसको टांग की तरफ नहीं खींचा। इसी तरह साइम अयूब को जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हुई, उन्होंने कट या ड्राइव खेला है, ठीक है, जैसे ही वो क्लोज टू द बॉडी आए हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे आने पे मजबूर किया, ये उनकी स्ट्रेंथ है, इनका ट्रेडमार्क शॉक है, ये जो स्केयर लेग के ऊपर से ये हिट करते हैं और बॉल की तरफ ही निगाह होती है, मतलब जो जहाँ से मीट किया उन्होंने बॉल बस वहाँ देखते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रस्ट होता है अपने शॉट पे। तो बॉलर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, रायली रूसो को बॉलिंग करते हुए क्या सोचना चाहिए बॉलर्स को? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आई थिंक बैक करना चाहिए अपना बेस्ट बॉल, ठीक है। आई थिंक सलमान इरशाद ने 19th ओवर जो किया था यॉर्कर्स की है, बहुत जबरदस्त बॉल की है। ऐसे बॉलर को जब भी आप लेंथ मिस करेंगे तो हिट तो लगेगा, लेकिन आपने ट्रस्ट उसी पे करना है कि जो आपका बेस्ट बॉल उस टाइम पे क्या है। तो यॉर्कर्स की है, उस तमाम तरीके से उन्होंने ट्राई किया लेकिन हिट नहीं लगी और इन द एंड आउट भी हुए। तो आई थिंक जब ये तो बात ध्यान रहना कि जब आप अच्छे बॉल करेंगे तो कोई भी बैट्समैन आपको हिट लगानी मुश्किल है, लेकिन क्वालिटी बैट्समैन की यही होती है, जब उसको जो ओवर मिलता है उसको छोड़ता नहीं, उसको फिर छोड़ता नहीं। लेकिन सलमान इरशाद ने जिस तरह वो ओवर किया, हालांकि उनको पिटाई हो रही थी, लेकिन उस ओवर में उन्होंने थोड़ा कम बैक कराया। लेकिन फील्डिंग का एक सबसे बड़ा ही अहम एक सिलसिला चल रहा है जो कि थ्रू आउट PSL में नजर आया, ऐसे मौकों पर कैचेस को छोड़ना, मिस फील्ड्स करना, और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो पहले ऐसा नहीं करते थे, कम से कम हमारे अपने पाकिस्तानी थोड़ा बहुत ये कर लेते थे, लेकिन इस दफा वो भी थोड़ा सा आगे। क्या लगता है, ईजी लिया हुआ थोड़ा सा PSL को या थके हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक मे बी क्योंकि एकदम आप PSL में जब आते हैं 2-3
दिन की आपकी प्रैक्टिस होती है स्ट्रेट वे खेलना शुरू कर देते, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन से तमाम प्लेयर जो तो रेगुलरली यहाँ पे आते हैं पीएसएल हाँ। खेलने उनको तो आइडिया है, कई जैसे जिमी निशम है तो हम ज़्यादा नहीं देखते उनको पीएसएल में हाँ। उनसे भी देखा गया काफ़ी मिस्टेक्स भी, आज कैचेस भी छोड़े हैं और आज आखिरी बॉल जो था भाप का वो चौका भी हो गया। तो आई थिंक समटाइम प्लेयर्स को टाइम लगता है कि एक एनवायरनमेंट से यूज टू होते हुए और क्राउड से भी इवन यूज टू होते, क्राउड का भी बड़ा डिफरेंट प्रेशर होता है। तो आई थिंक फील्डिंग कई टीमों के बीच में काफ़ी गड़बड़ रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जिस तरीके से अंडर प्रेशर आज फील्डिंग और बॉलिंग की है आई थिंक वॉज वेरी गुड। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, दोस्त हैं आपके, दोस्त हैं बजाय बजाय वहाब रियाज, क्या करें, क्रिकेट छोड़ दे या मिनिस्टर बनना छोड़ दे, क्या करें, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा नो बॉल्स और इतने क्रूशियल टाइम पे नो बॉल्स, मतलब के आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि भाव को मैंने जब भी देखा कि हाँ भाव को जब भी मैंने देखा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आई है या अंडर प्रेशर आया वो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है हाँ। जब वो हर चीज फेवर में जा रही हो ना तो भाव रियाज से फिर बचना चाहिए अपनी टीम को, है ना, खुद ही अपनी टीम। मैं हमेशा सरफराज को भी मशवरा देता था, क्योंकि मुझे दो साल कप्तानी करने के बाद आइडिया हुआ कि वहाब सीरीज़ के जब अगर वो तो परफॉर्म करता आ रहा है ना तो पहले दो मैच या एक मैच ना खिलाओ उसको, ताकि उसको थोड़ा सा हर्ट हो, गुस्सा है और फिर वो बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। ऐसे ही है। पर मैंने लेकिन बहुत लेट पता लगा लेकिन नो बॉल्स बहुत ज़्यादा इस वक्त गड़बड़ का एक मामला है। और सबसे बड़ी बात, खुर्रम शहजाद भी एक बॉलर है जिनका भी यही प्रॉब्लम चल रहा है, और बाबर बींग अ कैप्टन आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग, नॉट बिकॉज उसकी कप्तानी की वजह से, लेकिन प्लेयर्स कुछ साथ मुझे ऐसा लग रहा है, बॉलर्स इन पर्टिकुलर। अब कप्तान क्या करेगा अगर नो बॉल्स इतनी हो रही हो और क्रूशल टाइम पर हो रही हो, तो फिर कप्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा हो? लेकिन मैं तो इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि जब भी खराबी होती है ना कप्तान पे हर चीज़ डाल दी जाती है, और मैं तो इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। लेकिन आज आई फेल्ट सॉरी फॉर बाबर, नॉट इन ओनली इन दिस गेम, इन लास्ट गेम, लास्ट गेम भी हाथ जोड़ रहा था, क्रूशियल स्टेजेस पे नो बॉल हो रहे हैं, फिर फील्डिंग के अगेंस्ट समटाइम बॉल हो रहा है, तो आई थिंक इस चीज़ पे टफ हो जाता है कप्तान के लिए। फिर वो ज़्यादा आपको फील्ड दे सकता है, आपको बॉलिंग सही टाइम पे करा सकता है, उसके बाद उसकी जॉब खत्म हो जाती है, ये कॉन्फिडेंस दे सकता है। लेकिन अरे मान गए, मान गए। मुबारक हो, मान गई। क्या वहाब रियाज ने बॉलिंग छोड़ दी? अरे नहीं, सितरा मान गई। वहाब रियाज से? अरे नहीं भाई, हमसे मान गए, क्या कर रहे हो? अच्छा, आप भाई मान। तो कल तक तो वो हुमायूं सईद का मामला चल रहा था, नहीं क्या? वो हमसे पता चल गया कि हुमायूं भाई उस हुमायूं भाई जो है ना उस गली में सिर्फ किसी और को ढूंढने आए थे। सितरा ठीक है, एक मिनट हाँ, सिद्रा ठीक है, सिद्रा ठीक, मुबारक हो भाई। अजहर भाई, ऐसे जोक को दोबारा रिपीट नहीं करते अजहर भाई। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, तुम सिद्रा को क्यों नहीं संभालते हो, तुम हुमायूं सईद के पीछे क्यों पड़ गए आगे? हमें डर लग रहा था हुमायूं भाई से, लेकिन मैं सिद्रा मान गई, उसको पता चल गया कुब्बू कहीं और है और उसी की शादी हो रही है, तो सिद्रा भी रिलैक्स हो गई है। अच्छा, रिलैक्स। हाँ, आपको डरना हुमायूं सईद से नहीं चाहिए। कल इस्लामाबाद में एक चीता था या लेपर्ड था, आई थिंक, जी जी जी, वो घूम रहा था, तेंदुआ था वो हर जगह घूम रहा था। और कमाल ये थी कि पाकिस्तान में लोगों के पास या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हैं या सिर्फ और सिर्फ बंदूकें हैं, कोई बचाने तो नहीं आया, फायरिंग चल रही थी भाई, मतलब कि एक अलग सीन चल रहा था। तो तुम्हें हुमायूं सईद से कम उस शेर से ज्यादा डर? अच्छा, आप दोनों की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत? कि सिद्रा कह रही है अगर चौथा मंगनी करना है तो फिर प्रपोज करना पड़ेगा। आप लोग तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं, तो जरा तरीका बताते हैं, आपसे हम पूछ लेंगे, ये टेस्ट प्लेयर हैं, पहले इनसे पूछेंगे। अजहर भाई मैं टेस्ट प्लेयर हूं, इसलिए आप टेस्ट प्लेयर हैं, तभी तो आपसे टेस्ट करेंगे ना। हाँ, टेस्ट करना है। बताइए कि प्रपोज कैसे करते हैं? मैं कह रहा हूं टेस्ट प्लेयर हूं, बहुत बोरिंग हूं, इसलिए मेरी अरेंज मैरिज हुई भी। ये क्या बात कर रहे हो? बात सुनिए, हमारा भी अब अरेंज ही हो रहा है। देखो, आप अरेंज हो रहा है ना? हाँ, तो मेरे वालदैन को भेजें आप। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि जब जब यहाँ पर लड़कियाँ आई हैं इनका सारा टेस्ट और अरेंज सब खत्म हो जाता है। और नहीं तो कल सारा शो के बाद हाथ तपवा रहे थे, इतना बोलिंग किया इन्होंने कल। कल आपने अजहर अली को आपने शायद ग्राउंड में इतना फील्डिंग करते हुए नहीं देखा होगा, कल यहाँ पर उष्णा को बॉलिंग कराते हुए जितनी बॉलें इन्होंने कल उठाई है ना, ये तारीख में लिखा है। लेकिन बात सुनिए,
और चला के बात घुमा रहे हैं, उनका तो अरेंज हुआ, आपका तो लव था। मेरा तो लव था। आप बताइए आपने कैसे प्रपोज किया, बताइए। मैंने किया नहीं, मुझे ऐसा लगा मुझे घेर लिया गया उस प्रपोजल। एक तो आपके ससुराल के चक्कर में हम बिहारी बने हुए हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमें घेर लिया गया है। बात सुने, ऐसा नहीं कीजिए, सही सही बताइए कैसे प्रपोज किया। अजीब घरेलू सा माहौल लग रहा है, बता दीजिए थोड़ा सा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना, जैसे अचानक से आंखों के आगे से रोशनी चली गई, जमीन के नीचे से पैरों के नीचे जमीन निकल गई। भाभी अचानक से मेरी आंख खुली तो मुझे पता लगा मैं तो शादीशुदा हूं। मैंने कहा ओह माय गॉड। आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाया, कोशिश कर रहा हूँ। छोटे होंगे फिर उस वक्त। बहुत बच्चा, बिल्कुल ही बिल्कुल। अच्छा, ही। ये किस साल का? अब मसला ये कि सिद्रा भी छोटी नहीं है, हम भी छोटे नहीं है, हम कैसे प्रपोज करें? मैं बताऊँ कैसे प्रपोज? अरे तुम ना बताओ, अल्लाह माफ करना। मैं भी बता सकता हूँ, तुम जितनी देर में प्रपोज करोगे ना बच्ची बड़ी हो जाएगी। तुम अजर भाई की चीजें तुम क्यों बता रहे हो, ये तो उनका मामला है। अपना कार्ड भूल आया था तो हमने पढ़ लिया था। अजर भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है, उसामा मीर ने आज भी 22 रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। एहसानुल्लाह का किस्मत, उसकी किस्मत जो है बहुत अच्छी चल रही है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। 3 विकेट्स लिए हैं, 24 रन और 4 ओवर की आज। अब्बास जो है उन्होंने 33 पे 2 विकेट लिए, लेकिन ये दो पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। उसामा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ शादाब एक ही हमारे पास रिस्ट स्पिनर है और कोई नहीं है, लेकिन उसामा ने एक पॉइंट प्रूव किया, मैच भी खेला पाकिस्तान की टीम से, उसमें भी प्रूव किया और आज भी किया। क्या लगता है फ्यूचर हमारे पास? जो पिछले 2-3 साल थे जब से ये कराची किंग्स से गए हैं, थोड़ा इंजरी प्रॉब्लम चल रहा था उनका, उसके बाद से जब से इनका ये स्पेशली दिस सीजन जो जिस तरीके से हमारी टीम से सेंट्रल पंजाब से खेले हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और जब 4-day क्रिकेट खेले हैं ज़्यादा बॉलिंग की है तो इनकी रिदम वापस आया है। तो पाकिस्तान से भी कम बैक हुआ, 1-day टूर्नामेंट में इन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ा, आई थिंक 26-27 साल बाद जो पाकिस्तान कप तो उन्होंने 27-28 विकेट हासिल किए एक टूर्नामेंट में, जो कि रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो जिस तरीके से इन्होंने लास्ट 2-3 मैचेस में बॉलिंग की है, आई थिंक इट शोज दैट ही इज़ इन फुल फॉर्म नाउ। और ये आज का मैच भी अगर मुल्तान की फेवर में किया है तो वो उसामा की वजह से किया है। और इसमें और जहाँ क्रेडिट हो वहाँ जरूर देना चाहिए, रिजवान को क्रेडिट देना चाहिए कि कप्तानी बहुत टाइमली बॉलिंग चेंजेस के साथ उन्होंने की। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन दैट वी हैव राइट नाउ इन पीएसएल, जितनी भी फ्रेंचाइज है मुल्तान की। भाई बहुत सारी तालियां आज के हमारे गेस्ट के लिए। मैं जब जब कोई सीरियस बात करने लगता हूँ तुम कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हो, अब क्या मसला है तुम्हारा? इतना तैयार हो क्या है? बात सुनो, आराम से आगे होके बैठो। इतना तैयार हो क्या है आज का गेस्ट? ये है हमारा गोल्ड का है, सारा सोने का, सब गोल्ड का है, सब कुछ। आपको मैं इनाम दे दूंगा, इनाम आप वो करते हैं ना प्राइज वाला, वो नहीं करते सो करते हैं। हाँ। क्या करता हूँ मैं? आप प्राइज देते हैं ना तोहफे, मैं आपको तोहफा दूंगा। क्या तोहफा दोगे? क्या दोगे तोहफा बताओ? ये सोने का, ये 24,000 कैरेट गोल्ड का है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कल तुमने उष्णा को जो चेन दी है वो सोने की दुकान पे बेचने के लिए गई थी, वो जाली निकली है, उसको अभी तक जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग वहाँ से। यार उसके साथ मजाक मत करो, उसके साथ कोई मजाक नहीं होना वो चाहिए। वो रोज मुझे फोन कर रही है मुस्तकिल के मुझे छुड़वाए, मेरी 10 दिन में शादी है, मैं कब जाऊंगी? मतलब की जिससे हो रही है वही छुड़वाएगा, हम तो नहीं छुड़वाएंगे। ऐसे ही ऐसे ही तुम भी हमें पागल मत बनाओ, हमें सब पता है। चले चले आप मेरा ना इंटरव्यू करें, मैं इंटरव्यू करें हमारे दोस्त का। तुम हो कौन? तुम्हारा क्यों इंटरव्यू करूंगा मैं? भाई इतना तैयार हो क्या है? गेस्ट नहीं लग रहा आपको बिल्कुल भी? मतलब सीरियसली? अच्छा तुम मुझे एक सांस में इंटरव्यू की स्पेलिंग अगर सुना दो कि मैं जेन्युइनली तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा। एक बात सुनो, अटेम्प्ट भी मत करना, छोड़ो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, कोशिश। अच्छा इंटरव्यू, अलिफ नून टे रे अंग्रेजी में। अच्छा अंग्रेजी में, तो वो एक्सप्लेन करें ना अंग्रेजी में। हाँ हाँ हाँ, क्या करें इंटरव्यू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पूछ रहा है? नहीं नहीं स्पेलिंग पूछ रहे हैं इंटरव्यू का। स्पेलिंग पूछ रहे हैं? बहुत मुश्किल है भैया। ई
को तुम रहने दो, इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे एक्चुअली एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में। मैं आर्टिस्ट उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बहुत ही अलग अलग किस्म की अप्रोच रही है जिंदगी में। कुछ ऐसे काम उन्होंने जिंदगी में किए जो कि शायद शुरुआत में कोई करना भी नहीं सोच रहा था। म्यूजिक इंडस्ट्री को एक स्टेप आगे लेकर गए। ये म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, अपना रिकॉर्ड लेबल भी है इनका। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोलैबोरेशंस की बात आती है तो दुनिया में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमारे इस सिंगर ने सबसे ज़्यादा किए हैं और बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जिस मुश्किल से ये यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आपको बिल्कुल उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं दोस्त, भाई आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ बड़े सिंगर्स में से अगर हम नाम लें तो कौन कौन से सिंगर्स होंगे? अबरारुल हक, ठीक है, और चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली, वैसे बड़े की बात नहीं कर रहे, वैसे बड़े की बात कर रहे भाई। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बड़े सिंगर्स, जेन्युइन सिंगर्स, जिनका सुर भी लगता हो बगैर ट्यूनर के जो गाते हो, वो कौन होंगे? भाई साहिर लोधी, कौन नहीं जानता भाई जान। एक और भी है, हाँ जी, उमर अकमल। अरे यार, वरना 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 अदनान सिद्दीकी, कौन नहीं जानता। वैसे आजकल सरफराज अहमद भी बहुत गाने गा रहे हैं, तो उनको भी कंसिडर कर ले, कर सकते हैं। वो भी हीरा मानी। अरे रहने दो, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली बिलाल सही। बहुत सारी तालियां भी चाहिए बिलाल के लिए। ओ, नजर लगा दी पाकिस्तान की शान, बिलाल सही सर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बिलाल के लिए, प्लीज आइए बिलाल, तशरीफ रखिए। ओह माय गॉड, बिलाल आपको नजर लग गई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप वहां पर आए, और नजर भी आपको इस वाले आदमी की लगी है क्योंकि ये आज कुछ कपड़े भी आपके टाइप के पहनने की, लेकिन इससे पुल ऑफ हो नहीं पाया है ये मामला। मैं चाहता हूँ तालियों से बताएं कि आज बिलाल कैसे लग रहे हैं। बिलाल वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर आए। आप नॉर्मली इंटरव्यूज देते नहीं हैं, आपने मुझे ये शर्फ दिया है तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये ब्लंडर होना ही था। जितना मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू पे आया हूँ और इतने अच्छे आर्टिस्टों के साथ बैठा हूँ, अज़र भाई के साथ बैठा हूँ, इट्स एन ऑनर फॉर मी। यू कैन सी कि मैं कितना एक्साइटेड था, आई लिटरली हैड टू प्रिपेयर माईसेल्फ। थैंक यू। सुना है कि आपको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था और आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो ऐसा क्या हुआ वहां भी, कोई लड़खड़ा गए कि अचानक से ट्रैक चेंज हो गया और इस तरफ चले गया, किसी ने जगह नहीं दी? यार मुझे बहुत शौक था, ऑफ कोर्स हम सारे, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द गाइस स्कूल के टाइम से हम क्रिकेट खेलना शुरू करते थे, और मैं हमेशा कैप्टन होता था आई थिंक, क्योंकि बैट भी मेरा होता था, बॉल भी मेरी होती थी। मुझे नहीं पता मैं क्रिकेटर कितना अच्छा था, पर लीडर अच्छा, क्योंकि बल्ला आपके पास सर, लीडर वही होता है सर। लेकिन अभी आपका ख्वाब खत्म नहीं हुआ, आप औरंगी ऑरेंजेस में आ जाइए, हमारी अपनी टीम है। सही है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मैट्रिक के बाद मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया क्रिकेट को, ठीक है, और मैंने सोचा कि हाँ यार, क्योंकि अब्बू हमेशा कहते थे कोई भी स्पोर्ट्स तुम अगर खेलते हो ना, टाइम देते हो, तो ऐसी स्पोर्ट्स खेलो जो आपके लिए प्रोडक्टिव हेल्थ वाइज तो हो ही हो, लेकिन मे बी इन द फ्यूचर यू कैन करियर फॉलो योर पैशन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जब मैं वहाँ पे गया, आई रिमेंबर सियालकोट में एक था क्रिकेट क्लब, तो जब मैंने वहाँ पे लोगों को देखा ना, इतना टैलेंट था, मैंने कहा नहीं यार मैं इनसे कम्पीट कर नहीं, सो आई न्यू आई वॉज बेस्ट इन द क्रिकेट। तो मुझे लगा हर जगह तो अपना बैट लेके जा नहीं सकता कि मेरा बैट ले लो और मैं कैप्टन हूँ, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात। लेकिन ये बहुत ही मॉडर्न स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो ऐसे ही बल्ले दे दे के जो है वो टीम में खेल गए हैं, तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा अतर भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा भाई बिलाल, आपने बहुत सारी कोलैबोरेशंस की, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, सिर्फ लड़कियों के साथ आपकी कोलैबोरेशन चल रही होती है। Seriously? वो चाहे मोमना हो, वो चाहे नेहा हो, मतलब हर प्यारी प्यारी सिंगर, आवाज़ तो ऑफ कोर्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा मोमना मुस्तसम, देखिए ना, म्यूजिक इंडस्ट्री के हुमायूं सईद हैं। और आपके साथ लड़कियां कोलैबोरेशन कर भी लेती हैं, मतलब के और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन क्या आपके पास गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, या क्या मामला क्या है?
अच्छा मुझे लगता है कि जब मैं किसी भी गाने पे जब डिसाइड करता हूँ कि मुझे कलेबरेशन करनी है और किसके साथ करनी है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है गाना, ठीक है। जब आपने गाना बनाया तो वो उसकी मेलोडी आपको खुद बता रही होती है कि अच्छा यार कौन सी आवाज इस पे सूट कर सकती है। वैसे गाने से हमें एक और बात याद आई है कि ये PSL का गाना क्यों नहीं गाते भाई, हर दफा अली जफर ने गाना होता है। हाँ, क्यों नहीं गाते इनको PSL, इनको PSL का गाना गाना चाहिए ना, गाना चाहिए। मैं तैयार हूँ एनी डे, जब भी उनको मौका मिले उनकी नजर पड़े हम रेडी। बस तैयार, हम मौका देते हैं आपको, जाइए। अरे अभी अभी, अरे औरंगी ऑरेंजेस का गाना लिखे हैं हम, हमारी अपनी टीम। अरे भाई भाई चलो, टीम ने सही, टीम ने सही गाना तो बन ही जाएगा, उस पे लिखे हैं। हाँ भाई क्या है, थोड़ा मुश्किल है सर, इसका सी माइनर और डी मेजर कर दीजिए। कौन सा, सी माइनर और डी मेजर? सर ये कोशिश करें, देखते हैं। आपने बताया नहीं यहाँ पे इतने इतने बड़े म्यूजिशियंस भी बैठे। अरे कोई बात नहीं। अच्छा जी ये गाना हमने अदी अदी रात की, अदी अदी रात जी। हाँ जी, बिहारी हैं पंजाबी बोल रहे हैं, अजीब सी बात है। ठीक है जी। जीते जीते मैच हमारी टीम हार जावे, वाह वाह वाह, एक भाई लड़का हमारा चल ही ना पावे, क्या बात है भाई, क्या 10 फेर मैनू हूं नींद किवें आवे सोनी, लेके तेरा नाम दिल अरजा गुजारे, अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे, तेनू भुल जान वाले दिस दे ना चारे सोनी। क्या बात है गाइस, दस की कुसुम ये गया नहीं दुख पे, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, बुरी राइटिंग पढ़ने की आदत है मुझे। अच्छा आगे कौन से लाइन्स हैं? एक बारी जीत ले जरा। ओके, एक बारी जीत ले जरा, फैन सारे करते दुआ। ओके, एक बारी जीत ले जरा, फैन सारे कर दे दुआ अपना। क्या बात है, वेलकम बैक द फोर्थ एम्पायर शो, और हम बिलाल से बात कर रहे हैं। बिलाल मैंने आपसे ये नहीं पूछा, इस PSL 8 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और खुल के बताइएगा कोई घबराने की बात। दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने दो दिन पहले, सिंस मुझे ये था कि आई न्यू कि मुल्तान से शुरुआत हुई है हमारी, ठीक है, बट सिंस मैं शोज में थोड़ा फंसा हुआ था, लेकिन मैं फ़ोन पे देखता रहता हूँ मैच ट्रैवल करते हुए, बिल्कुल। सो मुझे था कि शायद हम लकी रहे और कराची में हम कोई मैच पकड़ पाए, तो मैंने कॉल की अपनी मैनेजमेंट को, पूछा यार मुझे मैच देखने जाना था, उन्होंने कहा अभी तो लाहौर में हो रहे हैं मैच। सो लेकिन यस, बहुत ही आला क्रिकेट हो रही है, सबसे पहली बात तो ये, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा जिन्होंने PSL स्टार्ट किया है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। Absolutely. और स्पेशली जो यंग टैलेंट हमें हर साल देखने को मिलता है, यंग टैलेंट में जो आपने अज़र अली को देखा ना, इसमें बड़ा मजा आया यार, यंग हूं ना यार, क्या हो गया क्या बात क्या बात मतलब कि ये नजर रखते हैं ना, इनको पता है कि अच्छा टैलेंट है। सर बड़ी नजर रखते हैं। अच्छा एक सवाल, मुझे ऐसा पता चला कि आप जो है कॉन्सर्ट्स में लेट पहुंचते हैं जानबूझ के, इसकी के पीछे क्या स्टोरी है? पहले आप वक्त से पहले, बिकॉज द स्टोरी इज कि पहले ये पहुंचते थे वक्त पे, फिर ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो समथिंग वेंट रॉन्ग, अब ये वक्त पे नहीं पहुंचते, इसके पीछे क्या है रीजन? अच्छा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि कभी लेट हो जाता है इंसान, रोड पे ट्रैफिक होती है, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले जब नया नया जैसे गाना हिट होता है ना, तो यू पहला आपको शो मिला और यू आर वेरी एक्साइटेड, यार मेरा कॉन्सर्ट है, तो आप रात को नींद ही नहीं आती, जैसे ईद वाला दिन होता था ना कि कपड़े नए आ गए और सुबह आपको पता ही, आप सो ही नहीं पा रहे कि यार कब सुबह होगी, मैं पहनेंगे कब ये कपड़े। सो वन ऑफ दोज मोमेंट्स, तो बड़ा एक्साइटेड था मैं और टाइम से पहले मैं पहुँच गया, और
कोई एक घंटा पहले मैं पहुंचाऊंगा और मेरी जनाब कभी इधर से आ रहे हैं पिक्चर्स वीडियोस शाउट आउट्स, वो एक घंटे में जितने शो पे लोग थे ना सबने मेरे साथ पिक्चर ले ली. देन व्हाट टू लेफ्ट, उनके लिए कुछ था ही नहीं लुक फॉरवर्ड टू. तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा ना जरा तरीके से देर से नहीं तो बिल्कुल पूरे टाइम पे. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल पूरे टाइम पे. अच्छा ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है. वैसे हमने इनके बारे में एक और बात भी सुना है कि ये सिर्फ खवातीन का कॉन्सर्ट ज्यादा एंजॉय करते हैं, मर्दों के नहीं. लेकिन सच ही है कि हमारे मुल्क में लड़कों की निस्बतन लड़कियों की तरबियत पे ज्यादा फोकस किया जाता है. आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट. और जितने भी जो आप कोई भी इवेंट रख लें, आप स्कूल में जब कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, लड़कियां पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती हैं. एब्सोल्युटली. आप अगर कॉन्सर्ट करते हैं तो पांच छह लड़कियां बैठी हैं उनके दिल से लगी. क्राउड हमेशा लड़कियां, उनका फोकस होता है कि सिर्फ उन्होंने मोमेंट एंजॉय करा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लड़के थोड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. वी हैव आवर ओन इश्यूज टू डील विद. लड़कों के लिए तो वही मोमेंट होती है ना असल में. ये भी तो एक बात होती है. अच्छा फिलहाल ये सच हैंडसम गाय, मतलब आवाज़ और म्यूजिक देखे वो तो एक अलग ही गेम है आपका, उससे तो कोई डिनाइल नहीं. लेकिन जब आप ऐसे दिखते हो और आप नॉर्मली भी जब कैजुअली भी घूम रहे हो तो भी आप ऐसे बड़े तैयार, और पप्पू वर्ड में इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आप इतने प्यारे लगते हो, हाउ कम यू नेवर थॉट अबाउट एक्टिंग? बाकी तो सारे सिंगर एक्टर बन गए. सर आपकी नज़र नहीं जा रही, हम तो बड़ी देर से इस पे तो आपकी नजर की तो फिर सर वादा देखें, हम तो कपड़े पहन पहन के आ रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, कोई नजरसानी करे. जैसे आप बल्ला लेके क्रिकेट खेलने गए थे ना, ऐसे प्रोडक्शन हमारा बल्ला है. ये वादा हो गया, बिलाल जो है वो हमारे ही साथ. मैंने कपड़े तो ये वाकई बहुत अच्छे पहनते हैं, लेकिन जूतों का थोड़ा मसला है इनका. अरे बड़े बड़े हमारे पास सबूत मौजूद है. मैं बताऊं पाकिस्तान में अगर मुझे अपने बाद किसी के जेन्युइनली जूते अच्छे लगते हैं तो दैट इज बिलाल सईद. और ये बड़ा तो ठीक है, आज भी मैं चाहता हूँ दिखाएं आप जरा. इसके बाद मैं कोई बात नहीं सुनूंगा. मुस्तफा देखिए जूता इतना बड़ा पहना हुआ कि उसमें बैठ के आदमी सवारी कर सकता है बाकायदा. लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है के? हम सबूत दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे, देखिएगा आप. क्या है? अभी आएगा सबूत, आ रहा है, लोड हो रहा है. थोड़ा ये तो विकेट उखड़ रही है, ऐसा कोई खास सबूत दिखाई नहीं दे रहा. नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद है इनके जूतों का. भाई कोई जूतों का कुछ मसला चल रहा है. ये देखिए ये कैसी बात है. ये अब ये बताइए एक सेकेंड बिलाल भाई, अब ये बताइए क्या आपने खरीदा एक था या आपको मिला ही है यार, या किसी ने खाली एक ही फेंका था, आपको दूसरा नहीं मिल सका. इसके पीछे तीन चार कहानी है. मैं पीछे तो है लेकिन आगे भी बहुत कहानी, आप आगे देख रहे हैं. क्या है सर, रोशनी डाले, वो बताएं, सुन लो, रोशनी डाले सर. क्या कहानी? सर ऑनेस्ट आंसर ये है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके साथ दोनों अलग अलग जूते पहनूं. इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्या बात है, वाह वाह वाह. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं इंग्लैंड में टूर कर रहा था तो मेरा फ्रेंड ना उसने मुझे डेयर किया था. कहता कि तू ये दोनों जूते पहन के इस तरह बाहर नहीं जा सकता. मैंने कहा अभी जाकर दिखाता हूँ. तब तो डेयर था लेकिन बाद में मुझे मजा आ गया. सो अब जब भी कभी मुझे मौका मिले आई फील लाइक के आई कैन कैरी देम, तो दोनों को एक साथ. एंड यू कैन सर, बहुत बहुत ही बहुत जबरदस्त तरीके. आपने मेरे पीछे बड़े खबरी छोड़ी है. तो बिलाल भाई इसी से मुझे एक और बात जहन में आ रही है कि शादी एक करेंगे या दो कर लेंगे? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आप बोले भाई मेरा दिल चाह रहा है. देर दे दिया ना किसी ने, देर दे दिया. देर देरिंग बहुत. ऐसा देर बेगम दे दे तो क्या अच्छी बात होगी ना. अच्छा ऐसा देर देती नहीं. मुझे ना इनसे बड़ा डर लगता है. मैंने इनकी ना वीडियोस देखी हुई है. वो भी यही कहते हैं, उनको भी तुमसे बहुत डर लगता है. नहीं नहीं मैंने इनकी वीडियोस देखी हुई, ये बड़ी जोर जोर से मारते हैं. तो कोई ऐसा तो नहीं चक्कर के मैं अगर कोई सवाल कर दो आप मारना शुरू हो जाएंगे? पक्की बात है ना बेटा, तुम तो पिटोगे बहुत जल्दी, ये बात तो तय है. इनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है. अच्छा एक बात बहुत अच्छी है, बताऊं क्या? ये खुद कभी नहीं मारते, लड़के लेके आते हैं वो पीटते हैं फिर. अच्छा सुने गानों में दो नंबर, तीन नंबर, बारह नंबर, ये क्या है, मसला क्या है? मैथ ज्यादा अच्छा था या बनिया बनने का शौक था, प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक
कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन शायद अपने माइंड में मैंने कुछ ना कुछ बना लिया होगा प्रोबेबली नंबर्स के साथ। सो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है उसका नाम था 12 साल, ठीक है, जिससे ब्रेक मिला था। ये ब्रेकअप का तो नहीं था, ये 12 साल के ब्रेकअप क्या ब्रेकअप का गाना तो नहीं था। नहीं, इस मामले में मैं थोड़ा सा लकीर हूं, ना हुए ब्रेकअप कभी भी नहीं हुआ। डायरेक्ट शादी ही हुई? नहीं, वो तो चलो हुई, लेकिन फिलहाल तुम्हारा भी हमारे वाला हाल है मेरे दोस्त। आप तो समझते हैं सर। लेकिन ये कि मैं अक्सर सोचता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत सारे सैड गाने लिखे हैं, तो क्या कोई था, किसी ने आपका दिल तोड़ा? तो मैंने एक दिन बैठ के सीरियसली सोचना शुरू किया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि यार मैंने सोचना शुरू किया यार, वाकई अपने आप से पूछा कि क्या मेरा दिल टूटा है, लाइक हाउ कैन आई राइट सच सैड सॉन्ग्स, या कि कैसे हुआ होगा, ये इमोशन किधर से आया। देन मुझे ये आइडिया हुआ कि मुझे ना दर्द के इमोशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जो दर्द मैंने लोगों को दिया होगा, मैं उसको ज्यादा अच्छे से फील करता हूं। अच्छा, इट्स द अदर वे अराउंड, ओके, क्या बात है। अच्छा, ये अप्रोच जो है ना, मुझे बिल्कुल, मेरे अब्बा की अप्रोच बिल्कुल ऐसी है। उनको भी बीमारी कोई नहीं है, लेकिन उनको बाकी सबके दर्द का अंदाजा पूरा होता है। उनको पता सब होता है कि इस बीमारी में क्या होगा क्या होगा। तो ये म्यूजिक में इस तरीके से दर्द को पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या बेहतरीन पकड़ते हैं, क्या बात। दर्द से हमें याद आया के अजय भाई, दर्द ठीक है हाथ का जो कल आपने बॉलिंग की? नहीं, आज बस नहीं उठाया जा रहा, नहीं उठाया जा रहा, हमें पता है दर्द हो रहा है। अच्छा, भाई क्रिकेट आप बहुत अच्छी खेलते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, बल्ला आपके पास था मौजूद, अपना बल्ला था, आज देखते हैं कि आपका बल्ला कितना चल रहा है। हम खेलेंगे द फोर्थ अंपायर एक्सप्रेस, आइए फटाफट से आ जाइए। आज बल्ला आपको हम देंगे और बॉलर होंगे आपके पाकिस्तान के एक्स कप्तान। प्लीज अजहर भाई आइए, आज अजहर भाई का मूड ही नहीं है बॉलिंग करने का, आज लड़की नहीं है तो उठ ही नहीं रहे हो ना, आइए आइए आइए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए अजहर भाई के लिए, आ जाओ भाई। बहुत एनर्जी लगाती है, बॉलें इकट्ठी करने के लिए आ जाएं। अच्छा भाई, आप बहुत बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन आज आपको दो काम एक साथ करने हैं, और वो ये कि एक तो आउट नहीं होना है, बॉल खेलनी भी है, और साथ साथ में सवाल का जवाब भी देना है। ये जो सामने ऑडियंस बैठी है, अगर आपकी कोई शॉट इस तरफ चली गई तो आप लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए, और वो देंगे भी ये खुद ही आपको। और हम पहले कैच करना है, शॉटें सारी उधर ही जाएंगी, ठीक है भाई। हम आपको पहले बता दें, 3 ऑप्शन ये देंगे, 1 ऑप्शन हमारा है, लेकिन वो जवाब नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई पहला सवाल, इनमें से किसके साथ ड्यूएट गाएंगे? चाहत फतेह अली खान, ताहिर शाह या फिर मतीरा? चाहत फतेह अली खान के साथ। अरे हमारा ऑप्शन भी तो था, क्या तुम्हारा क्या था? उमर अकमल। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलावा इनमें से किसको मेल मॉडल नहीं लेंगे? HS5, हाजिम बंगवार या फिर उस्मान खालिद बट या फिर उमर अकमल? एक मिनट, पहले इस लड़की का मुद्दा हल करें। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? महक के लिए 5,000 रुपए आपकी टीम दे के जाएगी यहाँ से, याद। इनमें से किसके साथ डुएट गाएंगे? ये तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलावा इनमें से किसको मेल मॉडल नहीं लेंगे? HS5, हाजिम बंगवार, उस्मान खालिद बट या उमर अकमल? या उमर अकमल। जब सवाल मुश्किल होगा तो बॉल उधर जाएगा। जवाब देना पड़ेगा, किसको नहीं लेंगे? मॉडल नहीं लूंगा वीडियो में, नहीं, अपने अलावा HS5, हाजिम बंगवार या फिर उस्मान खालिद बट। काम जवाब जानना चाहती है, बताइए, जानना चाहती है ऑडियंस, ऑडियंस क्या कहती है? नहीं नहीं, आप बताएंगे, आप बताएंगे। HS5 प्रोबेबली, HS5 को नहीं लेंगे। अगर मैंने LBW मेरे से ज्यादा लाइमलाइट ले जाएंगे ना, ज्यादा ले जाएंगे, ऐसे ही है। इनमें से एक काम छोड़ना पड़े तो कौन सा छोड़ेंगे? डायरेक्शन, म्यूजिक कंपोजिंग या फिर सॉन्ग राइटिंग? टेंशन, डायरेक्शन छोड़ देंगे, चलो भाई डायरेक्शन मान रहे हैं, एक आदमी कम से कम डायरेक्शन छोड़, ठीक है। गाने गाते हुए आवाज में दर्द लाने के लिए क्या करते हैं? दरवाजे में उंगली करते हैं, पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं, या अब्बू की डांट याद करते हैं, या उस्मान खालिद भाई? अरे चुप कर भाई, आई थिंक पुरानी मोहब्बत हमेशा याद आ जाती है, पुरानी मोहब्बत। वो कौन सा गाना है जो आप गाते तो ज्यादा है लेकिन हिट नहीं हुआ? ओके, ग्रूव मेरा, कहानी सुनो या फिर पसूड़ी? तीसरा ला 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 ला। तीसरा कौन सा था?
भाई तीसरा है ग्रूव मेरा कहानी सुनो या फिर पसूड़ी, कौन सा गाना अगर आप गाते तो ज्यादा हिट होता? कोई भी नहीं यार, कोई भी नहीं, तीनों नहीं, बहुत नहीं। है टेन को मेरी जरूरत थी नहीं, कभी भी नहीं थी। नहीं यार ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, बहुत मॉडर्न हो रहे हैं भाई। फैंस को सेल्फी से मना करने के लिए क्या करेंगे? पैसे मांग लेंगे, ओ शॉर्ट्स, पैसे मांग लेंगे, झाड़ देंगे, या फिर प्यारी लड़कियों के साथ ही सेल्फी लेता हूं ये कहेंगे? सवाल क्या था सॉरी भाई, किसी को अगर किसी को सेल्फी के लिए मना अगर करना हो तो क्या बहाना करेंगे भाई? पैसे मांग लेंगे या फिर झाड़ देंगे या फिर बोलेंगे मैं सिर्फ प्यारी लड़की से ही सेल्फी लेता हूँ? आई थिंक इग्नोर कर दूंगा, झाड़ूंगा नहीं, झाड़ेंगे नहीं, जाने देंगे, प्यारी लड़कियों वाली बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं वो नहीं दूंगा, दिल में सोचेंगे भी नहीं ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ये भी नहीं है मामला, अगर अगर मूड नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगी, तो किसी को नहीं मिलेगी। इनमें से किसको गाना छोड़ देना चाहिए? वाह वाह वाह, जवाद अहमद, अबरारुल हक या फिर कोमल रिजवी? बिलाल सईद। डिफेंसिव शॉट में नहीं जाना है सर, T20 मैच चल रहा है। अच्छा आई थिंक मतलब गाना नहीं छोड़ना चाहिए, बट सिंस अबरार भाई इतने सारे बड़े काम कर रहे हैं, गाना बहुत छोटी चीज है उनके सामने, आप उनके सामने छोटा, अबरार भाई आपको छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सिंगर ना होते तो क्या होते? बैंकर होते, फैशन मॉडल होते, या फिर एक्टर होते? एक्टर होते, एक्टर एनी डे, एक्टर होते। अब आपको पक्का भी तो करना है ना? अब पक्का भी तो करना है बिल्कुल। वो कौन सा गाना है जो आप गुनगुनाते हैं किसी और का? ओके ये आप खुद बताएंगे। जो मैं गुनगुनाता हूँ? जो आप गुनगुनाते हैं किसी और का। आजकल आई थिंक हम सभी वो गुनगुना रहे हैं, है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे सदके उतारे तेरी ले ले बलाए, क्या बात है, तमन्ना तुझे अपनी दुल्हन बनाए। So, ये गाना कम है, ख्वाहिश थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ख्वाहिश थोड़ा ज्यादा है, कहीं जाएगा मत, बी राइट बैक द फॉर द पाई शो। आप समझ तो गए होंगे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मैं वामन नाज को इतला देना चाहता हूं कि मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने कॉल ऑफ फेल के ये खुद जिम्मेदार हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां मिले इनको 5,000 के नोट दे दें। जी 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 हाँ भाई, क्या मसला तुम्हारा? यस मुझे मतलब मैंने बात करनी है इनसे। क्या बात करनी है? दूर से आए हैं वो, बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लग रहे हैं आज। सर मुझे बताएं, सर आपको शुगर हो सकती है, केकों से दूर आ करें। बहुत अच्छे सर जी, आज तुम्हें जो है ना मजा आएगा। हाँ बोलो बोलो। मुझे बताएं कि आप ना पाकिस्तान के बेस्ट सिंगर में शुमार होते हैं, ऐसे कभी किसी ने गलती से कहा है आपको? किसी का नहीं, मुझे बता, मुझे फाद मुस्तफा ने कह दिए बात खत्म। ये खामोश को ऐसा मसला नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप सर्दियों में ज्यादा अच्छा गाते हैं या गर्मियों में ज्यादा अच्छा गाते हैं? मैं हमेशा अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, लाइक कोई खास मौसम। अरे मौसमी सिंगर हम जैसे लोग होते हैं ये थोड़ी, ये तो सारा साल मतलब के निकलता है ना। कुछ वैसे प्लेयर भी ऐसे होते हैं जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन हैं, ऐसा भी होता है मामला। लेकिन सच्ची बात ये है कि अभी भी सबसे अच्छा शायद मैं बाथरूम में ही गाता हूँ। When nobody is judging you, when nobody is listening you. अपने लिए जब इंसान गाता है तो अपनी गलतियां उधर ही करके उधर ही ठीक कर लेते हैं। अच्छा जब आप उधर गा रहे होते हैं तो आपके हमसायों से कभी शिकायत आई है या फिर मल्ले वालों ने कहा यार इसको निकालो बहुत शोर हो रहा है? मैं एक्चुअली बड़ा कंसर्न था इस चीज को लेकर। Really? मेरे घर में ही स्टूडियो है। हाँ। जहाँ मैं म्यूजिक बनाता हूँ, तो जब हमने घर चेंज किया तो नए नेबर्स, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गालियाँ देते होंगे कि ये रोज रात को यूजली जो जैमिंग सेशन, हाँ, और वो यूजुअली रात को होते हैं कि आप जरा सारे काम वाम करके आराम से बैठते हैं। तो एक दिन मैंने झिझकते उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि मैं बड़ा लाउड म्यूजिक प्ले करता हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं होता? कहते यार एक दिन मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही थी, आप थोड़ा और ऊंचा बजाया करें। क्या बात है, अच्छे नेबर मिलते हैं।
अच्छा ये बताइए कि अगर कॉन्सर्ट के दरमियान कोई लड़की आंख मार दे तो फौरन नंबर दे देते हैं या कॉन्सर्ट खत्म होने का वेट करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है ना। मुश्किल है, किस लिए होते हैं असल काम तो इसलिए होते हैं। मुश्किल है पर वेट करना पड़ता खत्म होने का, उसके बाद फिगर आउट कर। अच्छा वैसे इस सवाल पे ना थोड़ा सा मैं जरा और फोकस करना चाहूँगा। जैसे वाकई कॉन्सर्ट में आपको इतनी सारी लड़कियां सामने होती हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा हसीन लड़की नज़र आ जाती है इंसान को, तो क्या ऐसा फोकस शिफ्ट होता है इंसान का, सुर से कहीं और चला जाता है आदमी? अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे तो जो स्टेज की हाई है ना, हाँ, जैसे आई एम श्योर जब आप सेट पे आते होंगे, लाइट कैमरा एक्शन, आपको कुछ याद भी नहीं रहता होगा कि इस कैरेक्टर के अलावा भी आपको। जी जी, इनको कभी कभी शो भी भूल जाता है। सबको नहीं बताते ऐसी बातें, तो कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं 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 हुआ। कभी कोई चेहरा याद रहा हो? अक्सर अक्सर याद रह जाता है कोई चेहरा, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि घर भी जाना है। हम सोचते हैं हमारी हमारी टीम में कुछ लोग हैं, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उबैर मेरे साथ आए हैं, मुझे पता होता है ये डिपार्टमेंट वो मैनेज ये वही कर लेंगे, ये वही कर लेंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि आज चार मर्द बैठे, एक आदमी सिर्फ खामोश देख रहा है कि हो क्या रहा है। और कल का कल के दोनों शो, कल परसों के, मैं चाहूंगा आप लोग यूट्यूब पे जाके कल का और परसों का शो यकीन देखें और नोटिस लें। मैं चाहता हूं आवाम देखे कि अजहर अली एक्स कप्तान पाकिस्तान किस तरह से कल बॉले फेंक रहे थे, डिफरेंट एनर्जी, उष्णा की तरफ और कुबरा की तरफ। और आप यकीन कीजिए आज के मैच का इनको कुछ नहीं पता, लेकिन उष्णा और कुबरा के स्टैट्स इनको याद हैं। सर एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है। अच्छी बात। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपका ये जो गाना था रांझा मजियां चराइयां 12 साल, ठीक है, उसको पूरे 12 साल हो गए गाने को, तो मुझे बताएं वो 12 साल तो हो गए, तो अब वो मजिया अभी भी चरा रहा है या फिर छोड़ दिया उसने? क्या सवाल है। उसने इस तरह मजियां चराई कि उसके बाद मजियां नस गई, वो कह रही ऐसे नहीं चल रहा, कहानी इतनी खत्म कर दे। अच्छा बिलाल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं वो एक गाना अच्छा कर देते हैं, उसके बाद सालों साल लग जाते हैं, दोबारा कोई अच्छा गाना नहीं आता, तो क्या दोबारा आमद नहीं होती बहुत सारे सिंगर्स को, या म्यूजिशियंस हमारे पास ऐसे नहीं है कि उनको हेल्प कर सके? ज़रूरी थोड़ी हर आदमी म्यूजिशियन भी हो। मुझे लगता है अगर कोई भी आर्टिस्ट जो एक बार गाने की स्पेसिफिकली बात करते हैं, एक गाना अच्छा लिख सकता है ना, हाँ, उसमें पूरी इस चीज़ की कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो दोबारा भी उससे भी अच्छा गाना लिख सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है हम सारे स्क्रीन पे कुछ और लोग हैं, लेकिन हमारी भी नॉर्मल आप लोगों की तरह ही जिंदगी होती yeah, है। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक मैनेजमेंट के इश्यूज, यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज बिकम अ बिजनेस एज वेल, ऑफ कोर्स एक साइड होती है जो कि आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होती है मैनेज करनी। सो आई थिंक देन यू स्टार्ट गिविंग अप ऑन दैट कॉन्फिडेंस ओके विद ईच टाइम, क्योंकि जब आप नए नए आते हैं आप इतने फियरलेस होते हैं, बिकॉज आपके पास स्टेक पे नहीं होता ना, आपके पास कुछ होता नहीं और आपके पास एक ही चीज़ होती है, आपका गाना जैसा भी हो आप कहते हो भाई मेरा जो गाना ना वो एक बार मैं बस सुना दूँ, ऐसा ही है आपका फोकस होता है। अब हमें 10 चीज़ें और करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक कुछ लोग उस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर पाते हैं, हौसला चाहिए, या कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा उनके लिए और चीज़ें ज़्यादा अच्छी उनके लिए खूबसूरत होती होंगी, वो उस तरफ स्विच कर जाते हैं। अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत ही खूबसूरत फैन आपको मिली हो, भागती भी आई और बोला आते फर्स्ट टाइम आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं? मेरा ख्याल है आतिफ समझ के तो कोई नहीं आई, एक बार आई गेस किसी ने फलक समझ के जरूर मुझसे बात, फलक समझ के। वाह वाह। अच्छा मुझे बताया कभी आपने, और मैंने इसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं हूँ फलक। ये आपने क्या है, ये कुछ कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है इंसान कहता है किसी को पता नहीं चलेगा, ये बस यही ये बात यही रह जाए। हाँ भाई छे। अच्छा मुझे बताएं कभी आप गाना गा रहे हो, ठीक है, ऐसे मुंह खोला और मुंह के अंदर मक्खी चला मच्छर चला गया हो? ये इतने सारे आप ये जाती सवाल कर रहे हैं, थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं। अच्छा चले कभी छींक आ गई हो, खांसी आ गई कभी? आया था पर छींक मार दी मैंने, उसका काम उधर ही था। वो मक्खी तुम ही थे जो आए थे, उसको चीक मार के उन्होंने निकाल दिया। अच्छा आप ये बता दीजिए कि अगर आपको पाकिस्तान में किसी हीरो की प्लेबैक सिंगिंग करनी हो तो फिर किसकी होगी? अभी की है ना, अभी एक मैंने इमरान अशरफ के लिए गाना गाया और वो मुझे बड़ा मजा आया। नहीं नहीं लेकिन आप समझे नहीं, हीरो का ऑप्शन तो हम देंगे ना, आप भागे जा रहे हैं, सुनिए हीरो का ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, साहिर लोधी। या तक वो किसी को कुछ और करने नहीं देते, खुद ही कर लेते, लेकिन फिर भी दूसरे उमर अकमल या फिर शोएब अख्तर?
अच्छा, अभी तो हीरो है। I think I'll go with option A, शाहरुख खान के लिए गाऊंगा मैं। अच्छा मुझे आप बताएं, ठीक है, मुझे ना आतिफ असलम साहब बड़े पसंद है, मैं चाह रहा हूँ आप ना आतिफ असलम की आवाज में मुझे गाना सुना दें प्लीज। I can try, of course आतिफ is one of my biggest inspirations। अरे वाह, क्या बात है। और ये बात मैंने उनको भी बताई है एक्चुअली, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था एंड आई यूज टू राइट एंड कंपोज सॉन्ग्स इन द स्टूडियो, तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी फ्रेंड से ये कहकर मेरी बात करवाई कि यार तू आतिफ बन के इनसे बात कर ले। अच्छा। और मैं क्योंकि आतिफ की आवाज़ बड़ी अच्छे से कॉपी कर सकता था उस टाइम पे, तो मैंने भी फुल आतिफ के अंदाज में ना बात भी की और गाना भी सुना दिया। अच्छा। अब वो बिल्कुल पक्की होगी कि ये आतिफ ही है। अब हुआ ये कि मैंने कहा यार मुझे तो बड़ी अटेंशन मिल रही थी, क्या बात। सो दो तीन महीने फ़ोन, कभी इधर से फ़ोन, सऊदी से फ़ोन, इधर से फ़ोन, पता नहीं कहाँ कहाँ से, यूरोप से फ़ोन आ रहे हैं, नंबर इतना निकल गया किसी यूनिवर्सिटी में ना, इस तरह निकल गया। एक दिन मैं तंग आ गया क्योंकि एक आर्टिस्ट की अपनी एक वो भी होती है कि यार क्या यार मेरा अपना कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा, अका हुआ था मैं। तो फ़ोन आया, जी आप आतिफ हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आतिफ नहीं, मुझे दोबारा आतिफ कह के कॉल ना कीजिएगा। कहती है अब तो मुझे भी पक्का यकीन है आप आतिफ। आप मुझे जो है वो सी माइनर दे दें। अल्लाह करे दो ना, देख लीजिए। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी रातें हैं, क्या बात है, सभी बातें हैं, बुला दो उन्हें, मिटा दो उन्हें। सी माइनर आता है भाई, अच्छी बात, खत्म ही नहीं हो पा रहा भाई, क्या बात है यार, तालियां चाहिए बिलाल के लिए। मैं क्या तो आतिफ की आवाज में गाया करें, वाकई बहुत उस्ताद है भाई। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात क्या है, देखिए कोई भी सिंगर, कोई भी म्यूजिशियन जो है वो इतने बड़े दिल का मैंने नहीं देखा, जो कि कैफे खलील का गाना भी एक साथ और आतिफ का गाना भी एक साथ गा पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने टैलेंट को इस तरीके से एक्नॉलेज करें, बहुत ही अच्छी बात है भाई। बहुत मैं सरप्राइज हो गया हूँ कि ये जो टैलेंट है ना, इसका मतलब है एक्टिंग के पक्के जरासीम मौजूद है आपके अंदर। बना लिया भाई, वैसे हमारा एक और सवाल है, क्या कि आपके गाने हिट होने के पीछे असल बात क्या है, आपके अपने गाने, उन पे चली हुई कंट्रोवर्सीज, या उन पे बनी मीम्स, या फिर एजाज असलम? किस चीज का हाथ है बताइए, किस चीज का हाथ है? मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट कंट्रोवर्सीज बड़े बाद में आई हैं, और मुझे इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से, एक टाइम पे मुझे लगता था यार मेरी कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं बनती यार, यू नो You can relate. I'm not that important. ये क्या कहते हैं, मुझे कोई देख ही रहा, उस दिन भी मेरा चलान हुआ, बड़े लोग जमा हो गए थे, कोई controversy. किसी ने आए नहीं यार. But then it's, I think हर चीज की एक price होती है जिंदगी में, आपको कुछ भी चाहिए आपको उसके लिए prepare रहना चाहिए, अगर आपको fame चाहिए आपको इसके लिए ready रहना चाहिए कि अब लोग मुझे misjudge भी करेंगे,
अब लोग शायद ये नहीं जान पाएंगे कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ. शायद वो मेरे प्ले किए हुए किरदार या मेरी सुनाई कहानियों से मुझे रिलेट करना शुरू कर देंगे. बिल्कुल. सो आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. एंड मैं जिंदगी में सिवाय अपने किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता. इट्स ऑल मी. इट्स ऑल. एक क्रेडिट आपको एक और जाता है, आपने अक्रॉस द बॉर्डर भी काम किया कुछ म्यूजिशियंस के साथ और ऐसे म्यूजिशियंस के साथ, सिंगर्स के साथ जो कि वहाँ के भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज म्यूजिक की तो देखिए कोई लैंग्वेज तो है नहीं ना, मतलब एक ही जबान बोलते हैं सारे लोग, तो कनेक्शन जुड़ जाता है आर्टिस्ट का आर्टिस्ट से. इतनी आपको पता है, समटाइम्स आई डू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था. सही है, बेशक मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की लेकिन बहुत फेवरेट स्टूडेंट था. मैंने अक्सर पूछता हूँ यार मैंने कोई बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं कुछ. तो ये चीज़ में मुझे इसका आंसर मिला. एक्चुअली जो म्यूज़िक की सबसे खूबसूरत बात है ना, वो लोगों को कनेक्ट करता है. क्या बात. यानी एक गाना, अभी रिसेंटली गाना बड़ा हिट हुआ, इट्स कॉल्ड काम डाउन बेबी काम डाउन. जी जी. उसमें देखे वो वर्ड्स ऐसे, आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही. नहीं समझ आ रही, बट पूरी दुनिया गा रही है उस गाने. एब्सोल्युटली. सो जब मैंने अक्रॉस द बॉर्डर काम किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल एक ही तरह के इमोशंस थे. एंड एज एन आर्टिस्ट इट वॉज सो ईजी टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड. द स्टोरी वॉज सिमिलर ऑन द बोथ साइड, कोई फर्क ही नहीं था. तो अच्छा लगता है. बिलाल भाई एक एक मिसरा काम डाउन का भी सुना दीजिए अगर आप. तरह यार मुश्किल थोड़ा सा, आपने इतना अच्छा उठाया, मजा आया. अक्रॉस द बॉर्डर की बात की है ना. हम आज का शो खत्म करेंगे बारिश पे, ये बात तय हो गई है. बारिश पे या बारी पे? बारिश और बारी में से कोई भी आप चुने, जो भी वो हम कर लेंगे. अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने के लिए. हमारे सेगमेंट का नाम है ये करके दिखाओ. अब देखते हैं कि क्या ये करके दिखा पाते हैं या फिर नहीं कर पाते. अच्छा जी, आज मैं और आप गेस करने के काम करेंगे और सारा जो मजदूरी का काम है वो ये दोनों हमें करके दिखाएंगे. जी, जी. हमें गेस करना है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं. अगर हमने सही किया तो नहीं अच्छी बात है, अगर हमने नहीं किया तो अजहर भाई. हम सोच रहे हैं इसे खेलने से पहले अजहर भाई को शतरंज ला दें, वो खेलने काफी देर से बोर. मेरी बात सुने मैं हेल्प कर सकता हूँ. ये ना कहना कि सिर्फ लड़कियों को हेल्प करता है. आप इधर आइए और आप ये इनको दिखाएं. आइए, ये परफॉर्म करना चाह रहे हैं. नहीं नहीं, मैं बता तो सकता हूँ ना क्या हो रहा है. आ जाए. लेट्स सी, देखते हैं बिलाल कितने आज दिमाग चला पाते हैं अपना. हाँ भाई रेडी है. देखिए सबसे पहले ना, इससे पहले एक डांस स्टेप अगर कर लेंगे तो हो, तो ये तो कर ही सकते हैं. बिलाल कैन डांस ऑफ कोर्स. अरे बहुत अच्छा डांस करते हैं ना. चेक करो, चलो मैं लगाओ, जरा कुछ बजाओ, जरा तेजी से हल्का लगता हुआ बजाओ. खड़े खड़े, बड़ा आसान सा दिखेगा. खड़े हो. आपको तो पता ही है, आपको बहुत अच्छा डांस आता है, बल्कि आपको तो नचाना भी आता है. आइए म्यूजिक प्लीज. इसके जूते अगर मेरे ऊपर चढ़ गए तो कहा घबराहट हो जाएगी. अपना वाला भी कर रहे हो? आई कैन डू माई ओन. Okay, here we go. अब हम करेंगे ये करके दिखाओ, क्योंकि हमसे वो तो हुआ नहीं. हाँ भाई, तो क्या है सबसे पहले? अजहर भाई रेडी आप? देखिए मैं इस सीट का पहले पूरा मजा एंजॉय करें सर. आप ये दोबारा मुझे नहीं मिलने वाली. एंजॉय करें जी. अजहर भाई आगे बंद, आगे बंद. गेस कौन कर रहा है? आप दोनों गेस कर रहे हैं. ओके चले जी, एनेक लगा लो. हाँ जी ठीक है. हाँ जी देखिए. हाँ इतना तो बता दो है क्या? मुहावरा है भैया. अच्छा, जैसे गरबा होती है ना ऐसे मुहावरा भी होती है. ठीक है. हाथी वाती लग रहा है मुझे कुछ. ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्या बात है. बिल्कुल सही बोले हैं. टीम सॉलिड लेके बैठे. आइए आपकी बारी. अब ये क्या? ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान था. जी जी. अच्छा मुझे बताए ये मैं क्या करूं? छिछोरपन. भाई ये तो देख लो. नहीं नहीं वो अपना कर रहा कुछ. बता तो दो ये मैं क्या करूं? टांगे दबा रहे हैं आप.
टांगे दबा पियानो बजा रहे पियानो पियानो अच्छा पियानो बजा रहे थे इतना आसान लगे लगे तुम मालिशी हो हमें आपस की बात चलिए असर भाई हमको दूसरा दिखाइए जो जैसा लग रहा था भाई हम वही बोलेंगे ना ये भी मुहावरा है ठीक है बच्चा बगल में डंडोरा शहर अरे वाह 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 क्या क्या आप इतना चैट कर रहे हैं यार यू आर अ गुड एक्टर वेरी गुड तुम्हें एक्टर होना चाहिए नहीं नहीं फाद भाई अभी सिर्फ मेरे पे फोकस कर प्लीज चलिए तो फिर आ गए यार अच्छा हां ये क्या है एक सेकंड तुम कोई काम खड़े होकर नहीं कर सकते पूछिए ये चीजें बैठ के ही करते हैं अच्छा चलो खड़े होकर थक जाता हूं मैं चलो खड़ो ये वाह वाह बंदूक चला रहे हो तुम मुझे ऐसा लग रहा है वाह वाह नलका नलका खोल रहे हो नलका गिटार बजा रहे नहीं नहीं मैं बोंजो क्या कर रहे हो ठीक है बात बोंजो बजा रहे गिटार जैसे ही बोंजो बजा रहे बोंजो जैसा ही है मतलब नहीं नहीं डिफरेंट होता है वो गिटार बड़ा वाला था बोंजो छोटा आ जाओ आवाज नहीं आ रही थी ना मैं समझ नहीं जी अदर भाई जी अगला क्या है ओहो बहुत मुश्किल है ये देखते हैं ये भी मुहावरा ही है क्या है बिल्ली खंबा नोचे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे नहीं खिसियानी बिल्ली ऐसा नहीं है नहीं ना हाँ ऐसा नहीं सो गई सिद्रा बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े सिद्रा अरे वाह ये जो उसने सिद्रा बोला ना सिद्रा साहब पहुंचे हो उससे याद आ गया बहुत अच्छा लगा नाइस नाइस हां भाई नेक्स्ट अब खड़े होकर करना अब चल मैं खड़े होकर अब ये भी कुछ इंस्ट्रूमेंट ही लग रहा है मुझे जनरेटर चला रहा है हजार बन डाल रहे हो नहीं सारंगी प्ले कर रहे हैं आप नहीं मैं वायलिन बजा रहा हूं वायलिन ये आप कोशिश कर रहे थे ऐसे बजता नहीं है वायलिन कैसे बजता है वो आवाज मुझे भी नहीं आ रही थी चलो जा तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हैं जी अजहर भाई जी हां जी नेक्स्ट ये चेक करें ना ये फनकार है हां ठीक है हां भाई क्या है मुहावरा ये भी हां चोर की दाढ़ी में तिनका अरे वाह भाई वाह 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 बड़े चोर पकड़े हैं बड़े चोर पकड़े हैं जी आप आते हैं आपके चक्कर में सेगमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा कान में तो कुछ नहीं बोल रहे आप बोल सकते नहीं कोई कान में कुछ नहीं बोल रहा अच्छा भाई हद हो गई यार थोड़ा ठहर जाया करें इतनी जल्दी ना लेके शक होता है लोगों को कर लीजिए आइए नए काम अच्छा मैंने कहा शक होता है लोगों को इनके कान में बोल रहे हैं नहीं नहीं कोई नहीं बोल रहा नहीं कोई नहीं बोल चेक करें चेक करें अगला बताइए हो कह रहे आप कहते वो गेस कर लेते मैं करता हूं वो गेस नहीं कर पाते इससे तुम बेटा टेक अ हिंट इसका मतलब है तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए आप करो एक बार हां हां मुझे बताइए ये मैं क्या बजा फ्लूट बजा रहे हैं फ्लूट नहीं 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 वो जो बड़ी वाली बांसुरी होती है वो वाली आप आपके इंस्ट्रूमेंट में मसला है बड़ी वाली बांसुरी या तो आपके इंस्ट्रूमेंट में मसला है हमारा निसाब जो है कभी उर्दू में है कभी अंग्रेजी में गड़बड़ है भाई जी हां जी अदर भाई आप क्यों हंस रहे बैठे बैठे क्या हुआ ये शरारती हां जी क्या है हां दोबारा दिखाइए स्क्रीन पे आप लोग आंखें बंद कीजिए आंखें बंद आंखें बंद कॉम ने देखा नहीं कॉम को दिखाओ कॉम को दिखाइए चलिए हाँ बहुत मुश्किल है वेरी वेरी ये मुहावरा नहीं है अच्छा ये सिचुएशन है ओके ओके गंभीर गंभीर सिचुएशन वेरी गंभीर दुल्हन हाँ एक रात की दुल्हन तलाके आफ्ता दुल्हन नहीं दुल्हन सो गई दुल्हन मुझे माफ करो अंगूठी चार शादियां चौथी दुल्हन चार बीवियां चौथी शादी सिद्रा चौथी बीवी चौथा निकाह मंगनी चौथी मंगनी चौथी मंगनी सिद्रा मुझसे कर लो अच्छा क्या बात अब आपने बोला तो सिद्रा कर ही लेगी भाई सिद्रा अगर आप सुन रही हैं तो आप प्लीज जरा कोशिश करें कि इनसे दूरी रहे क्योंकि कुछ गड़बड़ शदी चल रही है ये कोई ऐसी कहानी लगती है सिद्रा की जो हमने नहीं सुनी सर सिद्रा जो है ना वो हमारा फूफी का लड़की है अभी पता लगेगा हमारा फूफी का लड़की हमारा बात चल रहा है उससे ओके फिर बीच में हुमायूं कूद गया तो उसका जवानी आ गया था
बड़ी मुश्किल से हटाया दो तीन की और भी बात चल रही है उससे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला। हाँ भाई क्या चाहते हो ये भी इंस्ट्रूमेंट ही समझे मैं सिर्फ इसका मुंह देख रहा हूँ पता है क्या तक के एक वही चीज देखने वाली नहीं है ये मैं क्या कर ये आप ही बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट is it xylophone हो सकता था मगर ये सितार है जो मैं उठा कर मैंने ऐसे रखे फिर मैं बजा भाई बहुत सारी तालियां चाहिए लोगों के लिए वेरी वेल डन थैंक यू अजय भाई वापस आइएगा। अच्छा भाई बिलाल कहते हैं कि म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स होते हैं उनका भी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस ने आवाम का कुछ खास ख्याल रखा नहीं तो अब हम आ गए हैं सेलिब्रिटीज पे और अदाकारों पे और सिंगर्स पे कि वो आवाम को शायद कुछ कम दुख देंगे। वो रही आवाम, आवाम अपना चेहरा दिखाओ बेटा। आवाम बहुत खुश है। आवाम तो बड़ी खुश लग रही है। आवाम को भाई आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ। क्यों बेटा आज ऐसा क्या हुआ? मेरे बेस्ट सिंगर बेटे में बिलाल सईद भाई, यकीन मानिए बेटा अभी जब दो सवाल के जवाब गलत देंगे ना फिर पूछूंगा बेस्ट सिंगर कौन है। बिलाल भाई हम आपको चेक करवाते हैं, इनकी एक चीज हमने समझ ली है। आवाम आपका जब दिल चाहे ना यूं करके टेस्ट कीजिएगा, इनको हंसी आती है। ये जैसे सियासतदान उंगलियों पे नचाते हैं ना आवाम को, ये इन्होंने गुदगुदियों पे नचाना शुरू किया। हंसाना उंगलियों पे हंसा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा भाई आवाम आपके सामने है, हम आपसे कुछ चीजें आपको दिखाएंगे, आपने गैस करनी है कि वो क्या चीज है। अगर आपने सही गैस की तो आवाम खुश रहेगी, अगर आपने गलत गैस की तो आवाम डूब जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या आप आवाम को पानी में डूबने देंगे या आप उन्हें बचाएंगे। शुरुआत करते हैं, कितने पानी में बिलाल? पहली चीज है ये, पूछो तो जाने ये कौन है। हदीका क्यानी भाई दिखाओ, चेक करते हैं और बचत हो गया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मुझे लगता है दो दिन से आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, कुछ ना कुछ हालात अच्छे हो रहे हैं, डॉलर भी नीचे आ रहा है, बस आवाम यही जरा टिकी रहे। जो सवाल है ना वो थोड़े आसान है, अनवर मकसूद साहब से थोड़े से पीछे आए हैं। अच्छा भाई आना पड़ना था। कितने पानी में बिलाल और ये है हालात। जी जनाब दिखाइएगा, ये किन का बचपन है बताइए। देखिए हम आवाम के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमेशा करेंगे। ये सर कामरान अकमल और उमर अकमल। अरे क्या बात है, हम हैरान इस बात पे हैं कि ये बचपन में इतना हैरान क्यों थे। इतना हैरान तस्वीर है ये तो। थैंक यू बिलाल भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अभी देख दे बेटा, वैसे ये तस्वीर कामरान और उमर इस वक्त देखेंगे तो शायद वो खुद भी ना पहचान पाए अपने आप को। अच्छा भाई कितने पानी में, अगला सवाल और वो है ये किस मुल्क का परचम है। लो भाई ओके दैट्स अ ट्रिकी वन, दो जवाब दे सकते हैं। एक, आवाम के पास चॉइस कोई नहीं है। बाकी दो बैठे हैं आप इनसे मशवरा ले, बहुत कुछ जानते, बहुत मुल्कों में गए। हमें ये लाड़काना का लग रहा है। नहीं नहीं लाड़काना में ये वाला जानवर हम लाड़काना में देखे हैं। मुल्तान के, मुल्तान से मिल रहा है थोड़ा बहुत ऐसे ही। आप बताएं युगेंडा। आप तो पापा नहीं कहेंगे आवाम को, पापा नहीं कहेंगे लग रहा है। असर भाई को बहुत पता होता है, इनसे पूछिए। पापा नहीं कहेंगे मे बी क्या क्या। माय गॉड माय गॉड व्हाट इज दिस, उनकी येलो रेड किट होती है। Let's see, उनकी क्योंकि किट अपना येलो और रेड है इसलिए। हाँ भाई क्या करना है। तीन मुल्क मेरे जहन में आ रहे हैं, तीनों नाम ले लूंगा। चले तीनों में से कोई एक निकला है तो ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स चाइना, इफ इट्स थाईलैंड और इट्स जापान। जापान नहीं है। इंडोनेशिया और समथिंग, आई डोंट नो। कोई एक मूसा कॉलोनी। अरे चुप कर यार। हाँ भाई हो गया, आई थिंक हो गया। आपने कहा जापान, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, प्रॉब्लम चार हो गए। मलेशिया और इंडोनेशिया, पांच और बोल दीजिए, और थाईलैंड भी हो गया। ये ड्रैगन उसी साइड देखते हैं भाई, पांचों में से कोई हो और भूटान तो फिर एक दो और गया भाई गया। सिंगर भी काम ना आया। I'm so sorry, but I think moral of the story ये है कि जब तक आवाम अपने आप को खुद डूबने से नहीं बचाएगी हम नहीं बच पाएंगे। क्या बात है, गहरी बात की। क्या बात है। आप बता दीजिए अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हैं, हम आपको वोट दे देंगे।
सर नहीं लड़ूंगा मैं इलेक्शन। अच्छा बिलाल, मुस्तकबिल क्या है मुल्क का, क्या लगता है आपको, कहाँ जा रहे हैं? सर हमेशा की तरह हमें तो somehow because हम इतने कनेक्टेड हैं इस मिट्टी से, हाँ जी, हम तो हमेशा होपफुल हैं। मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूँ तो मुझे लगता है जो आगे आने वाले आर्टिस्ट हैं या इवन बहुत सारा यंग टैलेंट इन एनी फील्ड, आई थिंक दे आर अमेजिंग, बस उनको अच्छे मौके फ्राहम करने की देर है। जब तक हम जवानों को पीरों का उस्ताद नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी और ये हमें सीखना पड़ेगा। क्या अच्छी बात की सर, बिलाल इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स बीन एन ऑनर, थैंक यू गाइस, थैंक यू, आपने हमें इज्जत बख्शी। अब पब्लिक बताएगी कि बारी होगा या बारिश होगा। हाँ भाई कहाँ जाएंगे बोलिए, कहाँ? दोनों दोनों दोनों, तो फिर आइए लेडीज एंड जेंटलमैन बिलाल सईद, आइए सर, आइए आइए, चलो भाई दोस्तों बाहर आ जाए, सब आ जाए, सब आ जाए, आ जाए भाई, सारे आ जाए, सारे आ जाए। हाँ मुझे डी मेजर दे दीजिएगा प्लीज, डी मेजर इट इज, डोंट नो यहीं कहीं रखा होगा मिल जाएगा, खतरनाक कॉर्ड है सर, ऑल योर्स, आइए। ओके तो ये गाना इस चीज के लिए भी मशहूर है कि मैंने हाथ पे चाय गिर गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात एक गली की थी मगर गली गली गई, ये वो वाला सीन था। हो तेनू तकिया क्या बात, होश ही भुल गई, गरम गरम चा हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, क्या बात, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चिया दीवारा रखिया नी तू दिल दे चार चफेरे, क्या बात, नाले सांब के रख दिए कोई दिल च ना ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टूटिया, दिल टूटिया तेरा एक बार, ताई दिल दी दीवारा ते तू एक ना बनाई बारी। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू सर।